धूल मिट्टी और गड्ढों से परेशान सड़क का बुरा हाल। जाखल से टोहाना वाया कासनपुर जाने वाली सड़क का पिछले करीब एक माह से बुरा हाल है। करोड़ों रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गंदे पानी की निकासी के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है और उसी में बनाए गए चैम्बरों व बिछाने वाली पाइप के लिए सड़क को खोदा गया है। जो मिट्टी निकाली गई है उसे सड़क की दूसरी तरफ गहराई में गिरा दिया गया। ऐसे में दो पहिया व चार पहिया वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ धान का सीजन है और धान से भरी ट्रालियां भी इन गड्ढों में फंस जा चुकी है। ग्रामीणों ने इस सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की है। वहीं सड़क पर उप तहसील व BDO PO कार्यालय की स्थिति भी है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों संख्या में लोग आते जाते हैं। किसानों व राहगीरों का कहना है कि एक माह से ज़्यादा का समय बीत चुका है, इस रोड के चारों तरफ से निकलना मुश्किल है। कई बार धान की ट्रालियां यहां गड्ढों में फंस चुकी है, जिससे निकलवाने के लिए हजारों रुपए देने पड़ते हैं। मिट्टी उड़ने के कारण आसपास दिखाई भी नहीं देता, जो कई हादसों का कारण बन रही है, और इसी मिट्टी के कारण वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन जब इस बारे में ठेकेदार से बात करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हुआ। जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अधिकारी मनदीप सिंह ने मोबाइल पर बात की तो उन्होंने कहा कि सड़क की दूसरी तरफ मिट्टी पड़ी है, उसे जल्द हटा दिया जाएगा। पकल जाखड़ से।